वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल एवरीवन। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 5। आज का मेरा जो रूटीन है, मतलब इससे आगे वाली रूटीन 5 से लेकर के 10-11 बजे तक मैं क्या क्या काम करती हूँ, वो सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या एक्सरसाइज और क्या डाइट है वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब मैं सुबह सो के उठ गई और धरती माता को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ। दिन की शुरुआत मेरी होगी सबसे पहले ये लवंग का पानी, जो मैं रात में भिगा के रखी थी लवंग। और सुबह इस लवंग के पानी को आपको एक एक सिप कर करके आपको पीना है। हर लेडीज़ को, जो भी बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, उनके लिए लवंग का पानी रामबाण उपाय है। इससे फर्टिलिटी बूस्ट होगी, जो ब्लॉकेज वगैरह रहेगा वो क्लियर होगा। इसलिए जो एग वगैरह, जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट किया था नहीं बनता है ना, तो उनका एग भी बनना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो अब आती है एक्सरसाइज। सभी को एक्सरसाइज भी डेली करना है, एक भी दिन आपको छोड़ा नहीं। अगर एक भी दिन रुकेंगे तो आपका पैर वगैरह दर्द करने लगा। डेली एक्सरसाइज करनी है प्रेगनेंसी के लिए। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में जो मेरा पहला काम रहता है वो है कि नहाना। नहाने के लिए ब्रश कर लिया है मैंने, अब जाऊंगी फ्रेश होने और नहा के पूरी तरह से अच्छी तरह से। सुबह सुबह ना आप जब नहा लेते हो तो आपका दिन बन जाता है, मैं तो यही समझती हूँ। इतना फ्रेश लगता है सुबह सुबह नहाना। और मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, आप लोग भी कोशिश करो कि ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करो, उससे बहुत अच्छा फील होता है ठंडे पानी से नहाना, और बहुत अच्छा भी होता है। और कहीं भी आप बाहर जाओगे ना तो आपको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहीं भी जाती हूँ सिर्फ ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। नहाने के बाद जो मैंने काम शुरू किया है वो है भागवत गीता पढ़ना। आप देख सकते हैं भागवत गीता पढ़ के जब सुबह जो आनंद मिलता है, जैसे कि मैंने सुना है कि भागवत गीता ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़नी चाहिए। जितना मतलब भगवान की आप किताब वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में पढ़नी है। तो मैंने भागवत गीता पढ़ने के बाद संतान गोपाल मंत्र का भी जप किया। और उसके बाद जो हमारा पहला डाइट वाला है, जैसे लवंग, लवंग के बाद हमें ये सारे ड्राई फ्रूट रात को भिगा के रखने हैं और आपको सुबह इन्हें खाना है, यही समझिए आपका नाश्ता है। उसके बाद में जब मैंने वो खाया, खाने के बाद में फिर अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि पति देव को आज छुट्टी नहीं है, उन्हें ऑफिस जाना है और मुझे बनाना था डब्बा, पर मेरे घर में भाजी भी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी और मुझे, मैं भूल गई थी कि मैं कोई भाजी लेके आऊँ। तो इंस्टेंट पता है आपको मैंने कौन सी भाजी बनाई? हरा मूंग, आप सभी को पता है ना हरा मूंग। हरा मूंग अगर आप रात को भिगाना भी भूल गए ना तो सुबह आप उसे कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ही पकाओगे तो अपने आप वो पक जाता है दोस्तों। बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आपसे शेयर किया है, किसको पता था बताना और जिसको नहीं पता वो करके देखना। अभी मैं आटा वगैरह गूंथ ले रही हूँ और उसके बाद में फिर बनाऊंगी रोटी, और जिसको हमारे यहाँ कहते हैं चपाती। तो चलिए मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ जीवन की। मेरे लाइफ की तो नहीं है, पर जिसकी भी लाइफ की है उससे बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऐसी थी कि अभी मैं उसके बारे में क्या बताऊँ यार आप लोगों से।
वो उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी दोस्तों। उसकी शादी हुई, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और फिर बाद में पता चला उसके बच्चेदानी में गांठ है, और गांठ होने को ऐसे डॉक्टर बोला तू कंसीव नहीं कर पाएगी, कभी तू माँ नहीं बनेगी, और जब तू माँ बनेगी तो तू मतलब तू तेरी डेथ हो सकती है। पर पता नहीं उसका कहाँ से किस्मत ऐसा जागा कि वो प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी भी हुई, और वो मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ। पर सडनली मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो अब नहीं रही, उसे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। सुन के बहुत दुख होता है, इसीलिए देखिए मैं बता रही हूँ, चाहे दुश्मन भी होना आपके, पर कोशिश करो कि सबसे मिलजुल कर हंस खेल कर रहने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। मेरी और उसकी बातचीत, मतलब मैं जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ पे वो मेरे साथ काम करती थी, फिर अचानक से ना क्या हुआ कि मेरा भी मतलब मेरा मोबाइल एक बार ख़राब हो गया था, तो सब नंबर उड़ गए थे, मुझे उसका नंबर नहीं मिला और ना उसके पास मेरा नंबर था। तो इसी तरह से हम कभी कांटेक्ट नहीं कर पाए। मैं दो तीन लोगों से मैंने जिनको जानती थी उनके पास भी उसका नंबर नहीं था, और फेसबुक पे मैंने बहुत बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर शायद उसका फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ था या कुछ तो था, और वो लोग मतलब वो भी मुझे ढूंढ नहीं पाई। फिर असर अचानक से उनके हस्बैंड का फेसबुक पे प्रोफाइल था, तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बताया। तो दुख भी बहुत होता है उस चीज़ को लेकर के, पर मैं ये सिर्फ आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ना कि आप है ना, आप दुश्मनी और ये जो बोलते हैं ना एक दूसरे से बदला लेना, ये सब चीज़ें छोड़ के ना राधे राधे जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, सिर्फ अपना जो ना अपने आप को भगवान के आगे समर्पण कर दीजिए। कोई किसी का नहीं होता, और कभी कोई किसी के लिए मन में कोई मलाल मत रखिए, सबसे हंस के बात कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, कब कब मृत्यु आ जाएगी हमें पता नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का आप इस टॉपिक पे बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी हार मत मानना। अब मतलब बीमार हो तो ये नहीं कि मैं बीमार हूँ मैं बचूंगी कि नहीं, कभी ये थिंकिंग अपने मन में ना लेना। कोरोना जैसे अगर बीमारी पे हम मात करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलों को धोखा देके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कभी हार नहीं माननी है कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो अब मेरी उम्मीद उम्मीद छोड़नी ही नहीं है आपको, उम्मीद पकड़नी है। जब आप उम्मीद पकड़ोगे तभी उस रास्ते पे चल पाओगे, जब आपको रास्ता ही पता नहीं तो आप उस रास्ते पे कैसे चल पाओगे। हमें हमारी मंजिल पता होनी चाहिए दोस्तों, हमें हमारा रास्ता पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। जब आपका कोई रास्ता ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो अब ये मैं पतिदेव जा रहे थे ऑफिस, तो उनको मैंने बाय बोला, और उसके पीछे मुझे बहुत सारा काम था, जैसे कि हर औरत को रहता है जब उनके बच्चे और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो पीछे से पूरा घर क्लीन करना हो जाता है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, जैसे वो जाते हैं तो मेरा किचन ही मेरा सबसे मेन रहता है। पहले मेरा किचन एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, अब देखिए कितना साफ और कितना क्लीन हो गया है। और ये थाली देखिए सोमवार की है, जब सोमवार को आप पूजा करने जाते हो या कभी भी आप पूजा करने जाते हो और थाली लेकर के जाते हो ना, तो उस दिन हमें वो थाली नहीं धोनी रहती, हमें वो दूसरे दिन धोनी होती है दोस्तों। फिर क्या था, फिर हम ले लिए झांसी की रानी बन गए, जो कि सुबह सुबह ये काम करते हुए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह 6 बजे मेरे घर में कितनी धूप आई हुई है, 6 साढ़े 6 का कुछ टाइम हो रहा था, मैंने 6:30 बजे क्योंकि 5 बजे उठी थी, तो सारे चीज़ें मैनेज करते हुए अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी धूप आ जाती है सुबह ही सुबह, और बहुत ही अच्छा लगता है जब धूप आती है अंदर। तो फिर उसके बाद झाड़ू लगा के मैंने हॉल में और बेडरूम में झाड़ू लगा के, फिर जो वो हॉल में जो थी ना बहुत ज़्यादा धूल जम रही थी, क्योंकि यहाँ हमारे घर के बाजू में ना एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो इतनी धूल आती है, आप चाहे खिड़की बंद करके रखो फिर भी धूल मिट्टी बहुत आ जाती है घर में। और ये रोज़ की रोज़ क्लीनिंग करेंगे ना तो आपको भी बहुत आसान रहेगा, और कोई भी अगर आपके घर में आएगा तो ये नहीं कि आने के पहले आप साफ सफाई करने को लोगे। मेरा तो हमारा घर ऐसे रोज़ क्लीन रहता है, कोई भी आए तो हमारा घर उसे वैसे ही मिलेगा, कभी ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि कोई आने वाला है तो अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए लो। अब उसके बाद में पोछा लगाते हुए फिर मैं चली गई हूँ मेरे भगवान जी के पास, और अब उनकी सेवा करने में जो आनंद मिलेगा ना, क्यों पूछे क्यों आनंद मिलेगा, क्योंकि जब मैं पूरे घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ लास्ट में मैं भगवान की पूजा करती हूँ, जो कि मुझे ये नहीं करना रहे वो ना करना, ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही लादी वगैरह सब होने के बाद सिर्फ कपड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं मॉर्निंग में तो ज़्यादा अच्छा। और इस वक्त बज रहे थे 8:30 बजे मेरी पूजा संपन्न हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने बुक पढ़ने को लिया, बुक पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है सिमसा माता का, तो ये पढ़ते पढ़ते बज गए थे 9। फिर हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने, हनुमान चालीसा आपको भी रोज़ पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से घर में से जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो दूर भागती है और सकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करती हैं दोस्तों।
जय श्री राम बोल करके अब आगे हम आगे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों आज है मंगलवार और आज तो आपने देख लिया मेरी रूटीन क्या है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं जा रही हूँ, जैसे कि कल मेरा व्रत था, अभी तक मैंने व्रत खोला नहीं है सुबह। तो अभी पहले मैं 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ और खाने के बाद में फिर आप लोगों से बातें करूंगी, कुछ जरूरी बात करूंगी। जरूरी बात यह है कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं संतान प्राप्ति के लिए, जो एक उपाय करना है आपको रोज डेली, तो उसे जरूर सुनिएगा। क्या उपाय है? 2 लोटे वाला उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको बताऊंगी दोस्तों। खाने में देखिए, ये रही वो मूंग की भाजी और सैलेड, थोड़ा सा बहुत जरूरी, और 2 रोटी, यही मेरा खाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती हूँ दोपहर में। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, क्योंकि ये आपका भी उतना ही चैनल है जितना आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार करते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मेरी रूटीन देख ली, डाइट देख ली, खाने का सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं कि 7 दिन सिर्फ बचे हुए हैं संतान प्राप्ति को लेकर के आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूरा श्रावण खत्म होने वाला है और जो इस बार आपको भी पता है कि 72 वर्ष के बाद ये योग आया है कि सोमवार से सोमवार पर ही सावन खत्म हो रहा है। इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी किसी ने भी पूरे सावन में 2 लोटे जल का उपाय अगर नहीं किया होगा ना, तो ये जो आज से लेकर के जो 7 दिन बचे हुए ना, इस 7 दिन आप संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस उपाय को जरूर कीजिए। भोले बाबा आपकी इच्छा जरूर पूरे करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, आपके घर से ही आपको 2 लोटा जल भर के लेकर जाना है। ये नहीं कि किसी पानी की बॉटल में ले लूँ और 2 लोटा जल डालूँ, ऐसा नहीं। 2 लोटे, छोटे लोटे हो चाहे बड़े लोटे हो, जैसे भी आपके घर में लोटे हो, 2 लोटा जल आपको लेकर के जाना है किसी भी शिव मंदिर में जो आपके घर के आसपास में हो। और उस शिव मंदिर में जा करके आपको जल छोड़ते छोड़ते आपको स्मरण करना है केदारनाथ बाबा का, मतलब जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके जिनके आपको नाम पता है, आपको उनके बारे में सोचना है कि इस सावन के महीने में मैं आप ही को जल चढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और आपको जल चढ़ा रही हूँ। ऐसा सोचते सोचते आपको जब पूरा जल चढ़ा लेंगे तो आप घृष्णेश्वर और तुम्बकेश्वर महादेव, ये 2 नाम लेना है और अपने संतान की जो प्राप्ति के लिए आपको कामना करनी है वो कामना कीजिए। और भोले बाबा सबकी झोली भरे, मैं ये दिल से दुआ करती हूँ। और ऐसा देखिए, गुरुजी ने बताया हुआ है कि इस उपाय को करने से जिसको 30 साल से 35 साल से भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो उन्हें भी अवश्य होगी। इस उपाय को मेरे घर में मेरे पति करते हैं, क्योंकि जैसे कि एक महीने में कभी हमारा पीरियड वगैरह आ सकता है, जैसे मेरा आ गया था तो मुझे ये बात पता थी। तो उन्होंने कहा कि खंडित ना हो, इसलिए उन्होंने डे 1 से जब से श्रावण लगाए अभी तक वो कंटिन्यू ये उपाय वो खुद कर रहे हैं। तो आप महिलाएं जितने भी अभी तक, अगर जो महिलाएं जिनके पीरियड है वो अपने हस्बैंड से करा सकती हैं, और अगर आप फ्री हैं, मतलब आप पीरियड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से एकदम साफ हैं, तो आप ये बचे हुए 7 दिन पूरे पूरे दिल और जान से भोले बाबा की सेवा कीजिए। क्या पता महादेव ने अपना चमत्कार दिखा दिया और आप सबकी झोली भर दें, ये मैं दिल से चाहती हूँ और मैं खुद अपने लिए भी चाहती हूँ। मुझे यही लगता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने कर्म करते रहो, फल देने वाला ऊपर वाला है। तो सारी कोशिश हमें हर जगह से करनी चाहिए, कहीं ना तो कहीं से हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मंगलवार है, आज सिमसा माता की पूजा हो गई। बहुत आज का दिन बहुत अच्छा है कि जब सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारा काम बहुत फटाक से ख़त्म हो जाता है। तो वैसे सुबह से मेरे सारे काम चल रहे थे, तो मैंने व्रत ही नहीं खोला था, जो कि सुबह ही खोल लेना चाहिए। सुबह चाय वगैरह मैंने पी लिया था, बट मैंने सोचा कि खाना प्रॉपर ही खा के उपवास छोड़ दो, 12 बजे मैं खाना खाने बैठ गई थी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और कल की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। पुत्रदा एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, पुत्र प्राप्त जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए, सॉरी मिक्स हो जाता है ये बार बार बोलने में, पुत्र प्राप्ति के लिए वो उपाय कर सकते हैं, और जिनको संतान नहीं वो संतान के लिए पुत्रदा एकादशी का उपास कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, तो जिन्होंने अभी तक कभी नहीं किया है तो ये व्रत उठा लीजिए। अभी कितने तारीख को है, 16 तारीख को है, 16 तारीख से है दोस्तों, 16 तारीख को है, तो 16 तारीख को आप उठा लीजिए। यस, 16 तारीख को उठा लीजिए इस व्रत को, और संकल्प लेके पुत्र प्राप्ति की कामना करके कीजिए, और जो उपाय वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।